वेलकम बैक गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज राम लला आने वाले हैं तो उसी की तैयारियां शुरू कर दी सुबह सुबह हम लोगों ने, और ये दिए हम लोगों ने धुलने का किया प्लान। दिए धुल लिए गाइस, तो इसको फिर क्या सुखाने के लिए रख दें। हम लोगों के दिए तैयार, शाम के लिए दीपोत्सव होगा तो उसके लिए दिए धुल धुल के रेडी कर रहे हैं, बाकी सुखा देंगे जिससे कि। और इधर हम सुखा रहे हैं अपने पटाखे। तो गाइस दिए हो गए हम लोगों के रेडी, धुल के सुखा दिए थे, अब हम लोग लगाने वाले हैं दिए। तो गाइस दिए तो लगा दिए हम लोगों ने, और अब हम लोगों ने सोचा कि चलो अपने घर तक घूम के आते हैं और मंदिर तो एक राउंड मार के आएंगे, तो इसके लिए निकल लिए। तो मंदिर में इतनी भीड़ गाइज हमने इतने सालों में पहली बार देखी है कि एकदम मंदिर हम लोगों का, मतलब कि जो लोकल सोसाइटी का मंदिर था ना, वो इतना भरा हुआ था। और फिर हम गए राम मंदिर, वहाँ पे इतनी बड़ी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन सारे मंदिरों के बाहर, बहुत बहुत लंबी लाइनें थी। इससे पता चल रहा है कि राधा राम हमारे आ गए हैं, पधार गए हैं। तो इतनी पब्लिक में उत्साह, इतना महोत्सव जैसा इसको मतलब मना रहे थे सभी लोग। ढोल बजा भैया, ढोल बजाते हैं ढोल वाले भाई, ढोल वाले भैया, ढोल भैया। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे कल। कल तक के लिए नमस्कार। और हमने जो दिए सजाए हैं वो गाइस कल वाले एपिसोड में आएंगे। तो जय श्री राम, जय श्री राम।